बेस्वाद होगी धोनी की थाली। धोनी के सभी कड़कनाथ हुए बर्ड फ्लू के शिकार। आप सोच रहे होंगे कि आखिर धोनी की थाली बेस्वाद कैसे हो सकती है और इन कड़कनाथ मुर्गे से धोनी का क्या संबंध, क्या ये महेंद्र सिंह धोनी की बात है या कोई और धोनी। तो लो साहब, हम आपको हकीकत से रूबरू करवा ही देते हैं। जी हाँ, यह महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की बात हो रही है, जिनके द्वारा मध्य प्रदेश के झाबुआ में पलवाए जा रहे 2000 से भी अधिक कड़कनाथ मुर्गों की मौत बर्ड फ्लू से हो गई है। मामला साहब कड़कनाथ मुर्गों का गढ़ कहे जाने वाले झाबुआ का है, जहाँ अच्छी नस्ल के कड़कनाथ मुर्गों को पोल्ट्री फार्म में पाला जाता है। लेकिन पूरे देश में फैल रही बर्ड फ्लू नामक बीमारी से भला ये इलाका कैसे बचता। तो यहाँ भी आखिरकार कोरोना के बाद बर्ड फ्लू ने अपनी दस्तक दे ही दी। पहले कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, इसके बाद एक के बाद एक अन्य पक्षियों की मौत भी इसी बीमारी से होने लगी। पर सबसे सावधानी से पाले जाने वाले कड़कनाथ मुर्गे भी आखिरकार बर्ड फ्लू का शिकार होकी मौत के ग्राम में समा गए। अकेले झाबुआ के एक ही पोल्ट्री फार्म में आज एक साथ 2000 से अधिक कड़कनाथ मुर्गों ने दम तोड़ दिया। कड़कनाथ यूं तो मध्य प्रदेश और गुजरात तक ही सीमित था, पर इसको राष्ट्रीय स्तर तक पहचान क्रिकेट कोच और बीसीसीआई से तब मिली जब इस मुर्गे को खिलाड़ियों के लिए सर्वाधिक फायदेमंद माना गया। तो फिर क्या था साहब, महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी भी इसके मुरीद हो गए। अकेले महेंद्र सिंह धोनी ने ही झाबुआ के इस पोल्ट्री फार्म को 2000 से अधिक कड़कनाथ मुर्गे पालने का ठेका दिया था, जो आज बर्ड फ्लू के कारण मर गए। वहीं जिंदा बचे सैकड़ों चूजों को आज दफना दिया जाएगा। टीम भारती न्यूज। मैं कड़कनाथ मुर्गी का व्यवसाय करता हूँ। अभी क्या घटना हुई? अभी घटना हमारे यहाँ जो महेंद्र सिंह धोनी का जो ऑर्डर था हमारे पास 2000 बर्ड्स का, तो वो करीबन कोई 2 महीने के, कोई 2.5 महीने, कोई 3 महीने के, कुल मिलाकर मेरे पास 2850 चूजे थे। तो वो सारा वो जो बर्ड फ्लू आया उस कारण समझ में नहीं आया। हम लोगों ने एक दो पहले मारे थे, 4-5 दिन पहले, तो हमने उसको सैंपल के लिए जांच के लिए भेजा था भोपाल। तो आज जो रिपोर्ट आई तो उसमें बर्ड फ्लू पाया गया, बता रहे पॉजिटिव बताया गया। तो जो थे हम लोग 4-5 दिन में वही लगे हुए, उसमें लगे हुए, लेकिन इतने फास्ट वो मरना चालू हुआ कि बहुत जल्दी ख़त्म ही हो गया। करीब कितने मर गए होंगे? करीबन मान ली कि 2000 मर गए। हाँ, और 700 या 800 में अभी ये सर लोग उनके हिसाब से जो किया वो करके लेके गए। हमने 3-4 दिन पहले सैंपल भेजा था, तो इनके यहाँ पे 2-3 मुर्गियाँ मृत हुई थी, तो सैंपल भेजा था। तो उस टाइम पे ये कौए का भी भेजा था, एक कबूतर का और एक मुर्गे का। तो जिसमें अभी सर के पास खबर आई है, डिप्टी उप संचालक महोदय के पास, कि जो मुर्गा था वो पॉजिटिव आया। उसकी रिपोर्ट, उसमें H5N1 का स्ट्रेन पाया गया है वायरस का। तो ये स्ट्रेन पाया गया, तो ये थोड़ा सा जो आदमियों में इसका कंटामिनेशन के चांसेस रहते हैं। तो हमें क्या है कि सावधानी बरतनी है, और एक गाइडलाइन ये रहती है कि जहाँ ये हो गया इन्फेक्शन, उसके आसपास 1 किलोमीटर के रेंज में पूरा पूरा डिसइन्फेक्शन करवाना है। वहाँ पे जो मुर्गियाँ हैं, जो जीवित हैं, वो जुमरत हैं, उनको सभी को गढ़वाना है, और गढ़वाने के बाद वहाँ पे डिसइन्फेक्टेंट करवाना है, इनका सेड का डिसइन्फेक्टेंट करवाना है। और कलेक्टर महोदय को सूचित कर दिया है, तो और इसके साथ सभी विभागों का समन्वय रहेगा, और जो एरिया है तो उसकी परिधि ये कर दी जाएगी, तो वहाँ पे किसी का आना जाना नहीं रहेगा। इसके अलावा घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्या है कि अगर जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर जैसे पोल्ट्री मीट खाता है या एग खाता है, तो सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।